नमस्कार दोस्तों, मैं चंद्रशेखर आपके बीच एक नई वीडियो के साथ। और ये इस नई वीडियो की शुरुआत आज एक माफ़ी के साथ करना चाहूँगा, क्योंकि पिछले एपिसोड में सिलेबस का वर्णन करते समय मैं जनरल साइंस यानी सामान्य विज्ञान की चर्चा करना भूल गया था। और जीएस के लिए सामान्य अध्ययन के लिए सामान्य विज्ञान एक काफ़ी महत्वपूर्ण और अंकदायक विषय है, इस पर ध्यान रखें। चलिए ज्योग्राफी जीएस स्टार्ट करते हैं। जीएस ज्योग्राफी, उससे पहले ज्योग्राफी का पूरा सिलेबस थोड़ा डिस्क्राइब कर लें। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि ज्योग्राफी को हम पढ़ने के लिए दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं फिलहाल ट्री के लिए, एक फिजिकल ज्योग्राफी एंड ह्यूमन ज्योग्राफी। और फिजिकल ज्योग्राफी में आप देख सकते हैं यूनिवर्स एंड अर्थ, अर्थ एंड इट्स इंटरनल स्ट्रक्चर, जियोमॉर्फोलॉजी, ओशनोग्राफी, बायोजोग्राफी, इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी। इसमें जैसे कि यूनिवर्स एंड अर्थ, सोलर सिस्टम और इसके बारे में पढ़ना, यूनिवर्स सोलर सिस्टम और इनकी जो प्लैनेट्स हैं उन सबको के बारे में थोड़ा अच्छे से पढ़ेंगे। उसके बाद आएगा अर्थ एंड इट्स स्ट्रक्चर, इसमें हम पृथ्वी के आंतरिक भागों एवं ऊपरी सभी आंतरिक एवं बाह्य संरचनाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। उसके बाद है हमारा जियोमॉर्फोलॉजी, इसमें सिर्फ बाहरी जो बाह्य आकृति है स्थलाकृतियों को अच्छे से पढ़ेंगे। दूसरा तीसरा ओशनोग्राफी, इसमें हम समुद्र विज्ञान, समुद्र को लेकर समुद्री स्थलाकृतियाँ, जलधाराएँ एवं अन्य समुद्री जीव जंतुओं के बारे में इसमें अध्ययन करेंगे। तीसरा है बायोजोग्राफी, इसमें समस्त धरातल पर पूरी पृथ्वी पर जो जैव मंडल है, अलग अलग तरह के जो जीव पाए जाते हैं पृथ्वी पर, उन सब के बारे में अध्ययन करेंगे। उसके बाद है फिर हमारा एनवायरमेंटल ज्योग्राफी, जो कि खासकर एनवायरमेंट को दिखाता है, हमें एनवायरमेंट पर पढ़ेंगे। सेकेंड है हमारा ह्यूमन ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी में रिसोर्स जो दुनिया भारत एवं विश्व के विभिन्न हिस्सों में पाए जाने वाले खनिज संसाधन एवं खनिज एवं वन विभिन्न प्रकार के जो संसाधन हैं उन पर अध्ययन करेंगे। कृषि, उद्योगों की अवस्थिति एवं अवस्थिति के जो सिद्धांत हैं, कौन से उद्योग कहाँ हैं, उनकी अवस्थिति के वहाँ मूल कारण क्या रहे हैं, इनके बारे में। ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड ट्रेड, यातायात, संचार एवं व्यापार पर का। फिर है कल्चरल सिटी, जैसे कि अलग अलग जगह पर जो सांस्कृतिक विन्यास है, जो भारत के विभिन्न हिस्सों की या फिर दुनिया के जो विभिन्न हिस्से हैं वहाँ पर जो सांस्कृतिक विन्यास है उसको समझने का प्रयास करेंगे। फिर है बसावट, मानव बसावट, जो ह्यूमन सेटलमेंट है, अलग अलग स्थान की जो शहरीकरण है, ग्रामीण बस्तियाँ हैं, इनके बारे में अध्ययन करेंगे। फिर हमारा रीजनल डेवलपमेंट एंड प्लानिंग, ये एक प्री एवं मेंस को लेकर बहुत ही प्री एवं मेंस दोनों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा आज के जो पॉलिटिक्स है, जियो पॉलिटिक्स है, इन चीज़ों को समझने में ये काफ़ी मददगार है। उसके बाद फिर है हमारा पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स एंड कंटेम्प्रेरी इशूज। चलिए अब सीधे टॉपिक पर आते हैं। जब ज्योग्राफी की जब शुरुआत करें तो हम सीधे कोशिश करेंगे कि ज़ीरो से शुरुआत करें, ज़ीरो यानी यूनिवर्स, क्योंकि जैसे कि हमें पता है कि हमारा जो यूनिवर्स है एक बहुत बड़ा है। कितना बड़ा है इसको आज तक अच्छी तरह से पता नहीं लगाया जा सका है। जैसा हमें याद, मिलियंस ऑफ स्टार्स हैं इसमें, और जब एक मिलियंस ऑफ स्टार्स है तो प्लैनेट्स एंड अदर ट्रास्ट जो भी है कॉस्मिक बॉडीज हैं उसकी संख्या मिलियंस या ट्रिलियंस में होगी, बिलियंस या ट्रिलियंस में होगी। इसलिए ये बहुत पूरे को अध्ययन कर पाना अभी इसके लिए सही समय नहीं है। यूनिवर्स के बारे में बेहतर हम जब कंटेम्प्रेरी इश्यूज या फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे तो वक्त इसके बारे में पढ़ेंगे। और फिलहाल हम सीधे इसको अब आएंगे सोलर सिस्टम पर। तो आते हैं सोलर सिस्टम पर। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सोलर सिस्टम में सूर्य और इसके 8 ग्रह हैं। सूर्य और इसके 8 ग्रह, ये सारे गैसों के संघनन से इनका निर्माण हुआ, गैस ही कंडेंस होकर इन सारे ये पिंड का निर्माण हुआ है। ऑल प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन, सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर एक वलयाकार पथ में चक्कर काटते हैं। और दे शाइन ओनली बाय द रिफ्लेक्टेड लाइट ऑफ द सन, वो सूर्य की ही रोशनी से प्रदीप्त होते हैं।
अब सूर्य के पास सूर्य का जो सतह का तापमान है वो 6000 डिग्री सेल्सियस होता है और ये 20 मिलियन तक इसके आंतरिक भागों का तापमान 20 मिलियन तक बढ़ सकता है। और आगे है देखते हैं इसका जो साइज है सूर्य का ये 3 लाख गुना पृथ्वी से 3 लाख गुना बड़ा होता है। और हम जैसे जानते हैं कि हमारे सोलर सिस्टम में 8 ग्रह हैं क्योंकि हाल फिलहाल में ये प्लूटो को सौर परिवार से बाहर कर दिया गया है। चलिए अब सोलर सिस्टम को अच्छे से इसको देख लेते हैं। तो ये है हमारा सन और उसके साथ हमारे सोलर सिस्टम के 8 प्लैनेट्स मर्क्यूरी वीनस अर्थ मार्स जुपिटर सैटर्न नेपच्यून एंड प्लूटो मंगल शुक्र पृथ्वी सॉरी बुध शुक्र पृथ्वी मंगल जुपिटर यानी बृहस्पति सैटर्न यानी शनि यूरेनस यानी अरुण नेपच्यून वरुण। अब एक एक करके इसको डिस्क्राइब करते हैं। जैसे मर्क्यूरी ये हमारे प्लैनेट का सबसे हमारे सोलर सिस्टम का सबसे छोटा प्लैनेट है और सूर्य से सबसे नज़दीक है। इसका यहाँ एक साल 88 दिनों का होता है अर्थात ये सूर्य के एक चक्कर लगाने में 88 दिन का समय लेता है। इसके पास कोई भी सैटेलाइट नहीं है। इसका तापमान 610 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ता है और इस पर कोई भी इसका उपग्रह नहीं है। इस तक एक मैरिनर नाम का एक कृत्रिम उपग्रह यहाँ तक पहुँचा है इस पर पता करने के लिए। और इसकी सूर्य से इसकी दूरी 58 मिलियन किलोमीटर है 58 मिलियन किलोमीटर। और इस प्रकार और इसका डायमीटर जो है 4879 किलोमीटर इसका जो है रेडियस है सॉरी डायमीटर। एलिमेंट जो इस पर जो तत्व पाए जाते हैं और वो है हमारे ऑक्सीजन सोडियम हाइड्रोजन हीलियम और पोटास ये सारे यहाँ पर पाए जाते हैं। क्या क्या पाए जाते हैं? ऑक्सीजन सोडियम हाइड्रोजन हीलियम एंड पोटास ये सारे तत्व यहाँ पाए जाते हैं। फिर अगला हमारा है शुक्र यानी वीनस जिसको हम सिस्टर प्लैनेट ऑफ अर्थ इसे पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है हमारी मौसी। तो आज चलिए आगे बढ़ते हैं इसको जानने के लिए। और इसे इवनिंग और मॉर्निंग स्टार भी कहा जाता है भोर या शाम का तारा। ये सूर्य का इसका एक चक्कर लगाने में पृथ्वी के हिसाब से 108 दिन लगते हैं जो पृथ्वी पर एक दिन होते के अनुसार इसको 108 दिन लगते हैं। ये सबसे गर्म सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है क्योंकि इसका तापमान 400 डिग्री सेल्सियस होता है। बहुत से यहाँ वातावरण का भी वायुमंडल का भी प्रमाण देखने को मिला है लेकिन इसके बारे में कोई खास अभी जानकारी उपलब्ध नहीं है और इनके पास कोई भी सैटेलाइट नहीं है। मैगेलन स्पेसक्राफ्ट यहाँ तक गया है इसको पता करने के लिए और वीनस फॉर रडार मैपिंग मिशन और इसके लिए हाँ मैगेलनिक रडार मैपिंग के लिए इसका भेजा गया। फिर आगे हमारा अर्थ है जिसके पास की एक सैटेलाइट है मून हमारा प्यारा चंदा मामा और इसके बारे में बेसिक ज़्यादा अब आगे हम इसको डिस्कस करेंगे अभी इसको छोड़ देते हैं। फिर देखते हैं हमारा मार्स जो कि अभी बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है हमारे मार्स मिशन को लेकर और भी अलग अलग तरह के जो भी मिशन हैं रहे हैं सब ऐसा चलते रहे इसके लिए। और इसके लिए हमारा पहली नासा का क्यूरोसिटी रोवर यहाँ तक पहुँचा है और हमारा जो मार्स ऑर्बिटर मिशन है ये भी गया है। इसका जो अक्षीय झुकाव है यानी कि सबसे ज़्यादा रिसर्च सोलर सिस्टम में यदि किसी प्लैनेट पर के लिए हुआ है वो है मार्स के लिए। हमारे पास यानी इसका जो अक्षीय झुकाव है वो 25 डिग्री 12 मिनट है यानी कि लगभग हमारे जो हमारे पृथ्वी का जो अक्षीय झुकाव है 23.5 डिग्री ये 25 डिग्री 12 मिनट का है। सूर्य से इसकी दूरी कुछ ज़्यादा ही है यानी कुछ है, बनता है इसका ये देख सकते हैं इसको -4000 ये है इसकी सूर्य से दूरी।
और जहाँ तक इसका एक साल का की बात है तो इसका एक साल यानी कि पृथ्वी के 686 दिनों का एक साल होता है, और इसका जो एक्सियल मोमेंट है वो है 24.6 घंटे का, यानी लगभग पृथ्वी के बराबर ही है। अच्छा, तो यानी कि इसका दिन भी कुछ ऐसा ही है। एटमॉस्फेयर, इसके एटमॉस्फेयर में 95% कार्बन डाइऑक्साइड और 2.7% नाइट्रोजन है, और शेष ऑक्सीजन और ऑर्गन भी पाया जाता है। और जहाँ तक माउंटेन की बात है यहाँ इसका, इसके दो सैटेलाइट्स हैं, फोबोस एंड डेमोस। और माउंटेन जो है इसमें निक्स ओलंपिया, जो है निक्स ओलंपिया एक माउंटेन भी यहाँ पर अभी तक खोजा गया है, जो कि अभी तक सोलर सिस्टम का सबसे ऊंचा माउंटेन माना गया है, जो कि हमारे एवरेस्ट से 3 गुना अधिक ऊंचा है। और चलिए मार्स को लेकर कुछ मिशन के बारे में देखते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि क्यूरोसिटी रोवर अमेरिका का, सॉरी नासा का क्यूरोसिटी रोवर, जो कि गैली क्रेटर में उतरा था, जिसने इसके इस पर काफ़ी ज़्यादा फोटोज़ लिए हैं। उसके बाद हमारा इंडिया का जो मंगलयान मार्स ऑर्बिटर मिशन है, इसरो द्वारा भेजा गया है। और उसके बाद अब देखते हैं हम जुपिटर को। जुपिटर सौर हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लैनेट है, एक जिसको जायंट प्लैनेट भी बोल सकते हैं, और ये एक तरह का एक गैसियस प्लैनेट है। इसका जो डायमीटर है कुछ ही ऐसा है। तो ये है हमारा इसका प्लैनेट का सूर्य से इसका जो रेडियस है इस प्रकार है, इतना किलोमीटर है। और इसकी जो डेंसिटी है 1.3 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब है इसका। और इसके सैटेलाइट भी सबसे ज़्यादा 79 सैटेलाइट्स हैं इसके, और जिसमें आयो, यूरोपा, गैनीमीड और कैलिस्टो, ये सारे प्रमुख हैं। और जिसमें कि गैनीमीड जो है सौरमंडल का यानी हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा सैटेलाइट है। गैनीमेड इसका सबसे बड़ा सैटेलाइट है, और जो कि सोलर सिस्टम का भी सबसे बड़ा सैटेलाइट है। और इसके इर्द गिर्द रिंग भी पाया जाता है, जो कि दिखता तो नहीं है, लेकिन इसके बाद रिंग की भी बात की गई है, जो कि जिसको जेलियन रिंग कहा जाता है, और आप ये सिलिकेट्स के बने होते हैं। उसके बाद चले यूरेनस और सैटर्न को देखते हैं। सैटर्न सोलर सिस्टम का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है, और इसका जो उपग्रह है वो है टाइटन, जो शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है। और इसके भी टोटल 62 सैटेलाइट्स हैं, यानी सबसे ज़्यादा सैटेलाइट्स जुपिटर के, उसके बाद सैटर्न के। और चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका जो रेडियस है वो ये रहा कुछ, सॉरी क्या, 5150 किलोमीटर। और इस पर जो माउंटेन्स हैं वो सब हैं, जैसे माउंटेन्स पर इसमें कुछ खास है नहीं, और ये भी सब ऑस्कर। अब अंत के दो उपग्रह यूरेनस और नेपच्यून को देखते हैं, जिसको अरुण या वरुण और वरुण भी बोलते हैं। इसकी डिस्कवरी विलियम हर्सल ने की थी, और इसका जो इंक्लिनेशन है वो जो अक्षीय झुकाव है 97.7 degrees 7 minutes है, इसलिए इसको लेटा हुआ ग्रह भी बोला जाता है। इसका एक साल जो होता है पृथ्वी के 84 सालों के बराबर होता है, और इसका जो, और ये एकमात्र ऐसा प्लैनेट है जो कि ईस्ट टू वेस्ट मूव करता है। जैसा कि हम बात कर चुके हैं, ये एकमात्र ऐसा प्लैनेट है जो कि जहाँ सूरज पश्चिम से उगता है, यानी कि इनकी गति पूरब से पश्चिम की ओर है। और आगे चल इसके 27 सैटेलाइट्स हैं, और इस तक पहुँचने वाला एकमात्र मिशन है जो कि वॉयेजर सैटेलाइट ही इस तक पहुँच पाया है, जो मानव निर्मित सैटेलाइट है। नेक्स्ट नेपच्यून है, जो कि लास्ट सैटेलाइट है हमारे लास्ट प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम का। इसका जो एक साल होता है हमारे पृथ्वी के 164 सालों के बराबर होता है, और इसका जो एक्सियल मूवमेंट है वो 16 घंटे का होता है, यानी अपने अक्ष पर पृथ्वी को एक घूर्ण पूरा करने में इसे 16 घंटे लगते हैं।
इसका इंक्लिनेशन 28 डिग्री का है, यानी 28 डिग्री अपने एक्स पर झुका हुआ है, और ये प्लैनेट का सबसे ठंडा तारा है, और इसकी और इसके 14 सैटेलाइट्स हैं, जिसमें ट्रीटॉन और मैरिट दो बड़े बड़े सैटेलाइट्स हैं इसके। इसका टेम्परेचर 48 केल्विन होता है, यानी कि 228 डिग्री सेल्सियस, और एटमोसफेयर में हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन और अमोनिया पाए जाते हैं।